गुलशन इकबाल में मजामत पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के गोल्ड मेडलिस्ट इत्तेका मोइन का कत्ल, कराची में मकतूल के बड़े भाई, ये बात की भी मीडिया से गुफ्तगू सामने आ गई। इत्तेका बच्चों की चीज़ें लेने कल शाम बेकरी तक गया था। भाई ये बात कहते हैं कि वापस लौटते हुए रास्ते में ही डाकू पीछे लग गए। घर के करीबी मुल्जिमान ने वारदात कर दी। एक मुल्जिम ने इत्तेका को गोलियां मारने के बाद तलाशी भी ली, मोबाइल फ़ोन और नकदी भी लूटी, मोटरसाइकिल भी छीन कर ले गए। मकतूल इत्तेका हमदर्द यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट थे। गुलशन इकबाल में मजामत पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के गोल्ड मेडलिस्ट इत्तेका मोइन का कत्ल, कराची में भाई मकतूल के भाई इबाद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इत्तेका बच्चों की चीज़ें लेने कल शाम बेकरी तक गया था, वापसी पर डाकुओं ने पीछा किया और वारदात की। हाफिज़ कुरान थे, तरावियाँ पढ़ाते थे वो, और जो शहर के हालात थे उसकी उसी की नज़र में वो बाइक छीनने के चक्कर में उसके आए थे और उसको गोली मारी है उसको, और सारा सामान उसका जो है, जब उसको गोली लगी है वेन ही फेल डाउन, तो उन्होंने उसका सामान निकाला है और उसके बाद वो वहाँ से निकल गए शहर से। उसके बाद बाकी किस तरह भेजे, कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे थे? घर बच्चों के लिए सामान लेने गए थे, मेरे छोटे बच्चे हैं उनके लिए वो सामान लेने गए थे, बेकरी से वापस आ रहे थे, तो ये घर के सामने ही बस दो घर पीछे जो है ना, उनको उन्होंने इंटरसेप्ट किया है रास्ते में। सीसीटीवी वीडियो वगैरह सब चीज़ें मौजूद है ऑलरेडी, वो उनको इंटरसेप्ट किया है और यानी कोई उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया, फिर भी उन्होंने उसको गोली मार दी। तो समीत जो आप बता, कितने भाई हैं और वो कितने बड़े थे? हम सात भाई एक बहन है, और इत्तेका की शादी लास्ट ईयर जनवरी में हुई थी, तो बस यही। अभी क्या कहेंगे, पुलिस की जानिब से कोई ताबून किया गया? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जितना भी हमारा साथ दिया है उतना कोई भी हमारे साथ अभी नहीं खड़ा हुआ है। हर लिहाज से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हमारे साथ खड़ी रही हैं और अभी तक दे हैव इंश्योर्ड के जो है ना वो उनको पकड़ेंगे और उनको जस्टिस पे लेकर आएंगे। उनको आप क्योंकि प्रोफेसर भी हैं, क्या समझते हैं कराची के हालात किस तरफ जा रहे हैं? नौजवान जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि बाहर निकल जाएं मुल्क से, तो क्या सिक्योरिटी के क्या मामला दिख रहे हैं? ये देखा जा रहा है मुस्तकिल के प्रोफेशनल्स और बेहतरीन होनहार जो बच्चे हैं उनका कत्ल, ख़ास तौर पर पिछले साल और इस साल अब तक जो है कई नौजवान ऐसे जो है वो शहीद हो गए। देखिए जी, हमारे पास सिचुएशन इस तरह है कि ब्रेन ड्रेन तो हमारे पास से हो ही रहा है, इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी सही नहीं थी, लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं, मुल्क से बाहर जा रहे जो नहीं जा रहे वो इस तरह मारे जा रहे हैं। और ये सिर्फ मेरा भाई नहीं है, रोज़ किसी ना किसी की खबर है, दो तीन चार पांच लोग जो है यहाँ पे मारे जा रहे हैं, सारा यंग ब्लड है जो इस चीज़ में मारे जा रहा है। बहुत सारे हैं जिनको हम देखते रेजिस्ट नहीं करते, यानी क्या किसी का कोई स्टेटस देख के नहीं मार रहे हैं। वो गुलिस्तान जौहर के अंदर उन्होंने कहा वो था फूड पांडा का राइडर था, उसको ब्रिज के ऊपर छीनते हुए गोली मार दी, तो जिसका जहाँ दिल करता है वहाँ उसको लूटता है और वहाँ उसको गोली मार के चले जाता है, वो रजिस्ट करें या ना करें। तो अब यही सिचुएशन, हम लोग यूनिवर्सिटी में भी ये बात कर रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि अगर हुकूमत वक्त हम लोगों को सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दे तो कराची की आवाम माशाल्लाह इतनी समझदार है, किसी भी सिचुएशन के अंदर है वो आधी रोटी खुद खाते हैं, आधी रोटी अगले को देते हैं, सब एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, मगर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ये हुकूमत वक्त का काम है वो।